नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं हमारा आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल। आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बता दें कि ये खबर जो निकल कर आ रही है ICDS विभाग की तरफ से लेटर जारी करके जानकारी दी गई है, उसको हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। तो उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आइए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिहार सरकार समाकेषित बाल विकास सेवा ICDS निदेशालय बिहार की तरफ से ये जो है कि लेटर जारी हुआ है। संचिका संख्या बताया जा रहा है 5318 दिनांक 21/10/2021, यानी ये कल के डेट में जो है कि लेटर जारी हुआ है करीब 5 बजे करीब में। इसके प्रेषक निदेशक हैं ICDS सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी जिला अधिकारी और विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए लेटर जारी हुआ है। आइए, इसका विषय बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के संबंध में, यानी ये लेटर जारी हुआ है केंद्रों को संचालन के संबंध में, यानी केंद्र को खोलने के संबंध में लेटर जारी हुआ है। कब से केंद्र खोला जाएगा और कितने बजे से कितने बजे के बीच जो है कि संचालन चलेगी, उसके संबंध में लेटर जारी करके पूर्ण जानकारी दी गई है। तो आइए हम इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। जैसा कि उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 24/9/2021 को आपदा प्रबंधन समूह बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों को खोले जाने की स्वीकृति के अवलोक में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु तैयार चेक लिस्ट एवं मार्गदर्शिका के अवलोक में दिनांक 25/9/2021 से आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को प्रतिदिन गर्म भोजन एवं पका भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तथा 15/9/2021 से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्व की भांति की जाने वाली सभी गतिविधियां का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। यानी बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र 25/9/2021 से तो खोला जा रहा है, केवल गर्म एवं पका भोजन दिया जाता है, लेकिन यही 15 नवंबर से जो है कि आंगनबाड़ी पूर्व के भांति जो है कि संचालन होंगी, गतिविधियाँ जो पूर्व में चलती थी उस तरह से जो है कि चलाया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि केंद्र संचालन अवधि 5 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक जो है कि निर्धारित किया गया है। यानी 10 बजे से 2 बजे के बीच जो है कि संचालन होगा केंद्र को। इसके संबंध में लेटर जारी हुआ है, बताया जा रहा है कि निर्देशित किया जाता है कि अपने जिला अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को समन्वित संचालन कराना सुनिश्चित करें। तो यानी जिला अधिकारी को लेटर जारी करके सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को समय से संचालित करने के लिए ये लेटर जारी हुआ है और 15 नवंबर से जो है कि पूर्व की भांति संचालित होगा, जो पहले गतिविधियां जिस तरह से होती थी उस तरह से किया जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी जो हम आपको दे दिए हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के साथ जो है कि शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य बहनों के साथ भी ये जो है कि खबर मिल सके और पूर्ण जानकारी उनको प्राप्त हो सके। तो अगर आप तक अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।